नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टर्क तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन। आज आपसे चर्चा करनी है हमें एक परीक्षा जो दोबारा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित होनी है, RO AR O, सहायक अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। यह परीक्षा आपको मालूम होगा वर्ष 2016 में आयोजित की गई थी, किन्हीं कारणों बस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और उसका री एग्जाम कराया जा रहा है। और इस री एग्जाम में दो प्रकार के लोग हैं और एक को खुशी हो रही होगी और एक को दुख होगा। खुशी उसको हो रही होगी जिसका पेपर बिगड़ा होगा और दुख उसको हो रहा होगा जिसका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और उसे उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो अब आयोग ने जब इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है तो आपके खुश होने और दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़कर मेहनत करने से है। आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा, हमारी अनुभवी टीम के साथ जुड़िएगा और अपनी पढ़ाई में लग जाइएगा। अगर आज से हम देखें तो लगभग 60 प्लस दिन हैं और इस 60 प्लस दिन में आपको एक विशाल सिलेबस को कवर करना है। तो क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। एक अच्छे मार्गदर्शन और एक अच्छी नीति के तहत, रणनीति के तहत आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हमारे यहां बैच प्रारंभ हुआ है, आपको रवि सर ने कल इंफॉर्मेशन दी होगी, उसी क्रम में मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा और भूगोल में हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं विश्व भूगोल। विश्व भूगोल अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग प्रत्येक परीक्षा में विश्व भूगोल से 7 से 8 या तक कि 10 प्रश्न तक पूछ सकता है। तो आइएगा, आज से हम यूरोप महाद्वीप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप, अगर हम यूरोप महाद्वीप की चर्चा करते हैं आपसे, तो ये आपका यूरोप महाद्वीप रहा, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। आपको देखिएगा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आपको मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन भी पूछता है, वो कई बार क्रम लगाने को दे देता है कि 4 सागर दे देगा, 4 महासागर दे देगा या 4 खाड़ियां, 4 जलसंधियां, 4 नदियां, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो यूरोप महाद्वीप को स्टार्ट करते हैं और यूरोप महाद्वीप की कुछ पहले बेसिक जानकारी है, उस जानकारी को आपको दे दें। अगर बात की जाती है यूरोप महाद्वीप की, यूरोप, तो यूरोप महाद्वीप का पहला पॉइंट तो ये है कि यूरोप महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब है यह विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप, एकमात्र ऐसा महाद्वीप, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो ये आपकी रही पृथ्वी और इस पृथ्वी पर यहां एक काल्पनिक रेखा होती है जिसका नाम होता है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा के जो ऊपर का क्षेत्र है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में यहां पर एक रेखा होती है जिसका मान नाम है कर्क रेखा। और अगर इसके मान की बात करें तो इसका मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसके ऊपर एक और रेखा होती है जिसका नाम है आर्कटिक वृत्त। रेखा का नाम क्या है? आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। और आर्कटिक वृत्त की अगर बात करते हैं तो इसका मान होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो यूरोप महाद्वीप हमने कहा उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमें नीचे से भी कोई मतलब नहीं, उत्तरी गोलार्ध में यहां पर है। तो यूरोप महाद्वीप से एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है और यूरोप महाद्वीप से जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आर्कटिक वृत्त। क्या नाम है? आर्कटिक वृत्त। तो अगर हम आर्कटिक वृत्त को चिन्हित करें तो देखिएगा यहां से एक डॉट डॉट करके रेखा गुजर रही है, इस प्रकार एक रेखा गुजर रही है। इस रेखा का नाम क्या है? तो इस रेखा का नाम है आर्कटिक वृत्त। क्या नाम है? आर्कटिक वृत्त इसका नाम है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा,
यूरोप महाद्वीप से यहां से आर्कटिक ब्रेथ, आर्कटिक ब्रेथ, और आर्कटिक ब्रेथ का मान होता है 6.5 डिग्री नॉर्थ गुजरता है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक ब्रेथ गुजरता है तो यह आर्कटिक ब्रेथ कई सारे देशों से होकर गुजरता होगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक ब्रेथ किन किन देशों से होकर गुजरता है, तो अगर हम देशों को चिन्हित करें तो यहां पर एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे, उसके बाद दूसरा देश है स्वीडन, उसके बाद यहां पर तीसरा देश है फिनलैंड, और यहां पर जो चौथा देश आपको दिखाई दे रहा है इस देश का नाम रूस है। और रूस विश्व का एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। रूस विश्व का एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। तो अगर आपसे प्रश्न ये बनता है कि आर्कटिक ब्रेथ कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है, तो यहां पर हम लिख लेंगे आर्कटिक ब्रेथ। और आर्कटिक ब्रेथ के देशों को अगर लिखा जाए तो चार देशों से होकर गुजरता है। एक देश का नाम क्या है, नॉर्वे, नॉर्वे के बाद कहां, स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड, फिनलैंड, और फिनलैंड के बाद रूस। अब देखिएगा वो आपको फंसाएगा, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आर्कटिक ब्रेथ केवल विश्व के चार देशों से होकर गुजरता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आर्कटिक ब्रेथ यूरोप महाद्वीप के चार देशों से होकर गुजरता है। वो आपसे प्रश्न पूछता है कि आर्कटिक ब्रेथ यूरोप महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरता है, चार। यूरोप महाद्वीप के कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है, ए। और अगर पूछे कि आर्कटिक ब्रेथ विश्व के कितने देशों से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा आर्कटिक ब्रेथ विश्व के छह देशों से होकर गुजरता है। कितने देशों से होकर गुजरता है, छह देशों से होकर गुजरता है, जिसमें से चार देश आपके सामने लिखे हुए हैं और दो देश मैं यहां नीचे लिख देता हूं। और दो देश कौन से हैं, तो एक तो यूएसए के अलास्का प्रांत से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है, यूएसए के अलास्का प्रांत से होकर गुजरता है, और साथ ही साथ कनाडा देश से होकर गुजरता है। साथ ही साथ कहां से होकर गुजरता है, कनाडा। अब देखिएगा आपको स्टडी नहीं करनी है बल्कि आपको सिस्टमैटिक स्मार्ट स्टडी करनी है, और सिस्टमैटिक स्मार्ट स्टडी तभी संभव है जब आपके अंदर लगन होगी किसी भी परीक्षा को पास करने की, और सामने वाले बंदे को यानी जो अध्यापक आपको पढ़ा रहा होगा उसके अंदर एक जज्बा होगा कि वो अपने विद्यार्थियों को कितना सफल बना सकता है। यहां पर मैंने बताया आपको आर्कटिक ब्रेथ की बात करें तो छह देश हो गए। अब वो अगला क्वेश्चन बनाएगा इसी में, अगला क्वेश्चन इसी बनाएगा। आज देखिएगा मैं यहां पर पढ़ाऊंगा कम, आपको समझाऊंगा ज्यादा किस प्रकार लोक सेवा आयोग अपना पैटर्न बदलता है, किस प्रकार वो प्रश्न पूछता है। अब देखिएगा आर्कटिक ब्रेथ मैंने कहा छह देशों से होकर गुजरता है, छह देश आपके सामने लिख दिए, वो प्रश्न दूसरा बना देगा, प्रश्न बना देगा आर्कटिक ब्रेथ का संबंध कौन कौन से महाद्वीपों से है, आर्कटिक ब्रेथ का संबंध कौन कौन से महाद्वीपों से है, या आर्कटिक ब्रेथ जो है वो कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरता है, इस प्रकार से। तो आपको ये चार देश दिख रहे हैं, अगर इन चारों देशों की बात करें तो चारों देश जो है वो जिस महाद्वीप के हैं उस महाद्वीप का नाम यूरोप, और यूएसए और कनाडा की बात करें तो ये जिस महाद्वीप से संबंधित है उस महाद्वीप का नाम है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ठीक ना। तो यूरोप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप दो महाद्वीपों से इसका संबंध, किसका, आर्कटिक ब्रेथ। मान कितना है, 6.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर जो एन लगा है एन हमें प्रदर्शित करता है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक ना। बोलिए क्लियर है बात है, आइएगा यूरोप महाद्वीप के हमने दो पॉइंट समझे। यूरोप महाद्वीप का तीसरा पॉइंट, ये यूरोप महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। यूरोप महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, अर्थात यहां पर मरुस्थलों का अभाव है, मरुस्थलों का अभाव है। अगला पॉइंट ये है कि यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है, मैं तीसरा पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, मरुस्थलों का अभाव पाया जाता है, मरुस्थलों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ठीक ना। उसके बाद चौथा ये है कि इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। तो सबसे पहली बात
आप अगर हमारा वीडियो पहले भी देखे होंगे तो इन बातों की चर्चा हो चुकी है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थलखंड का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर जल होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। स्थलखंड का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर जल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको एक नाम दे दिया जाता है, प्रायद्वीप। उदाहरण के तहत भारत, तो भारत के तीन ओर भी क्या है? भारत के तीन ओर जल है, और भारत के तीन ओर जल होने के कारण भारत को क्या नाम दिया जाता है? प्रायद्वीप। तो विश्व के सबसे ज्यादा प्रायद्वीप जिस महाद्वीप में है उस महाद्वीप का नाम है यूरोप, इसलिए यूरोप महाद्वीप को एक नाम दे दिया गया। नाम क्या दे दिया गया? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, ठीक ना। अगर हम बात करें कि कहां कहां पर कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, यहां समझिएगा, ये फिजिकल वाला मानचित्र है यूरोप महाद्वीप का, ये प्राकृतिक मानचित्र है। अगर हम प्राकृतिक मानचित्र में प्रायद्वीपों को देखें तो एक प्रायद्वीप तो ये हो जाता है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। यहां इसके ऐसे तीन ओर देखिएगा, एक ओर, दूसरे ओर, तीसरे ओर, तीन ओर पानी है। एक यहां पर हो जाता है कैनन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कैनन प्रायद्वीप। एक यहां पर है, स्वीडन देश में है, ठीक ना, कोला प्रायद्वीप, ठीक ना। उसके आगे बढ़िएगा, एक प्रायद्वीप यहां पर है स्पेन और पुर्तगाल में, इसका नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप हो गया, ठीक ना। उसके बाद एक प्रायद्वीप हो जाता है इटली का प्रायद्वीप हो गया, ठीक ना। तो यूरोप महाद्वीप में कई सारे प्रायद्वीप हैं और कई सारे प्रायद्वीप होने के कारण इसको नाम दे दिया गया प्रायद्वीपों का महाद्वीप। क्या नाम दे दिया गया? नाम दिया गया प्रायद्वीपों का महाद्वीप, ठीक ना। चलिएगा, फिर से हम आते हैं राजनीतिक वाले मैप में। अब यहां पर मैं आपको मैपिंग कराऊंगा, आप हमारे साथ पहले मैपिंग करिएगा और बाद में हम एक एक चीज आपको लिखा देंगे, ठीक ना। तो हम मैपिंग करते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे ऊपर से। स्टार्ट अगर सबसे ऊपर से कर रहे हैं तो यहां पर एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड के बाद जो नीले कलर का यहां दिखेगा, यहां पर एक सागर है, सागर का नाम है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक देश है, इस देश का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे के आगे बढ़ेंगे तो एक देश मिलेगा आपको स्वीडन। स्वीडन के आगे बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी है। उसके बाद यहां पर एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड के नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर फिनलैंड की खाड़ी है। फिनलैंड की खाड़ी के नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर एस्टोनिया देश है, लाटविया देश है, और कौन सा देश है? लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के पश्चिम में, हमेशा याद रखिएगा मानचित्र में दिशाओं को, आगे वाली दिशा पूरब है और पीछे वाली दिशा क्या होती है? पश्चिम। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के पश्चिम में यहां पर एक सागर है, सागर का नाम है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के और नीचे बढ़िएगा तो यहां पर एक देश है, देश का नाम पोलैंड है। पोलैंड के पश्चिम में बढ़िएगा तो यहां पर एक देश है, देश का नाम जर्मनी है। जर्मनी के उत्तर में यहां पर एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क के पश्चिम में यहां पर एक सागर है, सागर का नाम है उत्तर सागर, यानी नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के दक्षिण में देखिएगा तो यहां पर तीन देश है, एक का नाम क्या है? नीदरलैंड, बेल्जियम, और यहां पर एक लग्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ये तीन देश हैं जिनको हम अभी बताएंगे। इनको BENELUX के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? BENELUX के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नीचे बढ़िएगा तो यहां पर एक देश है फ्रांस। फ्रांस के ऊपर एक देश है यहां पर यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य में यहां पर एक पानी का संकरा भाग है जिसको एक नाम दिया जाता है, नाम दिया गया इंग्लिश चैनल। क्या नाम दे दिया गया? नाम दिया गया इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के दक्षिण में बढ़ेंगे तो यहां पर अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है यहां पर? तो यहां पर एक ओशियन है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही यहां पर एक खाड़ी आती है जिसका नाम है विस्के की खाड़ी। आपके समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, विस्के की खाड़ी के तट पर स्थित देशों के नाम बताएं। विस्के की खाड़ी के तट पर स्थित देशों के नाम, और ये आपको रटने से नहीं आएगा, यह आपको तभी आएगा जब आपको मानचित्र की अच्छे से समझ होगी। अब मान लीजिएगा इस बार तो उसने प्रश्न पूछा है कि विस्के की खाड़ी के तट पर स्थित देशों के नाम बताइएगा, अगली बार हो सकता है वो प्रश्न पूछ ले कि विस्के की खाड़ी किस महासागर का भाग है। तो जिस महासागर का भाग, उस महासागर का नाम क्या? अटलांटिक महासागर। और विस्के की खाड़ी के किनारे अगर देशों की बात करें तो यहां पर एक देश आपको फ्रांस दिख रहा है, और फ्रांस के जस्ट नीचे यहां पर एक देश है जिसका नाम है स्पेन। फ्रांस के नीचे एक देश है, देश का नाम क्या है? स्पेन। स्पेन के आगे बढ़िएगा पश्चिम दिशा में तो यहां पर एक देश है जिसका वास्को डी गामा रहने वाला था, पुर्तगाल। और पुर्तगाल के से होते हुए पानी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक जलसंधि है, और इस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी जलसंधि है?
तो यहां पर एक जलसंधि है जिब्राल्टर जलसंधि। यदि आपको अटलांटिक महासागर से आगे जाना है, यहां पर भूमध्य ये लिखा है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। यदि आपको अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाना है तो जिस जलसंधि को पार करना होगा उस जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जलसंधि। और जब आप जिब्राल्टर जलसंधि से आगे बढ़ेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में उत्तर की ओर देखेंगे तो यहां पर एक देश है, देश का नाम क्या है, महत्वपूर्ण देश है इटली। महत्वपूर्ण देश है यहां पर कौन सा देश है, इटली। और इटली के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कई सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे ग्रीस है, ठीक ना। तो अब भी हम सारे देशों से अवगत नहीं करा रहे हैं, ग्रीस। ग्रीस के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक छोटा सा सागर है मरमरा सागर, और मरमरा सागर के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक सागर है जिसका नाम है ब्लैक सी, एक सागर है जिसका नाम है काला सागर। और काला सागर के उत्तर में देखिएगा तो यहां पर यूक्रेन है, और यूक्रेन के और उत्तर में देखिएगा तो यहां पर बेलारूस है, और बेलारूस के बाजू में यहां पर कौन सा है, रूस। और रूस के ऊपर बढ़ जाएंगे तो यहां पर आर्कटिक महासागर है, और आर्कटिक महासागर से होते हुए हमारी यात्रा वापस हो गई, यानी हम पहले इस दिशा में गए और इस दिशा से लौटते हुए वापस आ गए, ठीक ना। इस दिशा से लौटते हुए वापस आ गए। आपको मानचित्र क्यों करा रहे हैं, मानचित्र इसलिए करा रहे हैं पहले आपकी एक समझ विकसित हो जाए, जब समझ विकसित हो जाएगी तो हम आगे की चीजों को अच्छे से कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा, अब ऐसे मानचित्र पढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा होता है आपको करंट अफेयर्स में, सबसे ज्यादा फायदा आपको होता है करंट अफेयर्स में। मान लीजिएगा कोई न्यूज आई विश्व स्तर पर, मान लीजिए कोई बेलारूस की न्यूज आई, बेलारूस में या नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ या कोई भी घटना घटित हुई, तो आपको पहले पहला क्वेश्चन तो यही भागना चाहिए, दिमाग में यही जागना चाहिए कि आखिर बेलारूस का संबंध किस महाद्वीप से, या आखिरकार बेलारूस किस महाद्वीप में है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक ना। चलिएगा, एक एक से हमने अभी देशों से अवगत कराया, अब इन देशों की एक एक से हम विशेषताओं के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। देखिएगा, तो यहां से अगर हम बढ़े तो आर्कटिक ब्रेथ यहां से गुजर रहा है, और आर्कटिक ब्रेथ जिस देश में सबसे पहले पहुंचता है नॉर्वे, और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और ओस्लो के बाजू में यहां पर एक देश है, देश का नाम है स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, एक का नाम नॉर्वे है, और नॉर्वे को आप जानते होंगे, किस नाम से जानते हैं नॉर्वे को प्लीज कमेंट में बताएं। और मुझे मालूम है एक देखिएगा, एक जीके होता है, एक जीएस होता है, मैं आपको जीके नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं। जीके जहां पर फैक्ट आपको रटना होता है, जनरल नॉलेज, और जीएस जहां पर चीजों को आपको समझनी होती है, ठीक ना। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, एक देश है हमारा, देश का नाम है नॉर्वे, और एक देश है हमारा, देश का नाम है स्वीडन। एक नॉर्वे है और दूसरा कौन सा है, स्वीडन। अगर हम बात करें कि नॉर्वे की राजधानी, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। नोबेल पुरस्कार होते हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार छह क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, छह क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और उन नोबेल पुरस्कार में से छह क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसमें एक नोबेल पुरस्कार होता है शांति का नोबेल, एक नोबेल पुरस्कार होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है शांति का नोबेल। तो शांति का नोबेल जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य पांच नोबेल पुरस्कार बच जाते हैं आपके, जैसे साहित्य का नोबेल, साहित्य का नोबेल, साहित्य का नोबेल, उसके बाद चिकित्सा, चिकित्सा का नोबेल, ठीक ना, उसके बाद रसायन, रसायन का नोबेल, ठीक ना, उसका भौतिकी, भौतिकी का नोबेल, और भौतिकी के नोबेल के बाद एक और बच जाता है आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का नोबेल। तो ये पांच नोबेल जो है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। राजधानी को हम इस प्रकार स्टार से बना देते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से बना देते हैं। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति का नोबेल, जबकि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में अन्य पांच नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रश्न बनता है सीधा सीधा कि नोबेल पुरस्कारों का वितरण कहां किया जाता है, तो प्रश्न आपका ये बन जाएगा, ठीक ना। चलेगा, नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन के बाद अगला देश हमें यहां पर एक देश मिलता है जिसका नाम फिनलैंड। फिनलैंड जो देश है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, हेलसिंकी, ठीक ना। तो फिनलैंड देश
एक ऐसा देश है विश्व का जहां पर सर्वाधिक मात्रा में झीलें पाई जाती हैं, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती हैं, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में झीलें पाई जाती हैं, और सर्वाधिक मात्रा में झीलें पाए जाने के कारण इसे झीलों का देश कहा जाता है। क्या इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको। ठीक है ना, देश का नाम क्या है? तो देश का नाम फिनलैंड, और फिनलैंड देश को एक नाम दे दिया जाता है, और फिनलैंड देश को नाम दे दिया जाता है झीलों का देश। फिनलैंड को एक नाम दे दिया गया, और फिनलैंड को नाम क्या दिया गया? झीलों का देश। झीलों का देश, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर फिनलैंड के नीचे आएंगे तो यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम जो है फिनलैंड की खाड़ी है, और फिनलैंड की खाड़ी के बाद यहां पर आपको तीन देश याद रखने हैं। एक देश का नाम है एस्टोनिया, एक का नाम है लाटविया, एक का नाम है लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के पश्चिम में यहां पर एक सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। हालांकि बाल्टिक सागर के किनारे तो कई सारे देश स्थित है। आपसे प्रश्न पूछता है बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देशों के नाम, तो बाल्टिक सागर के किनारे अगर स्थित देशों के नाम देखें तो यहां से बाल्टिक सागर है पूरा, तो यहां से स्टार्ट होता है स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये पूरा भाग यहां पर रूस, और यहां पर कौन हो जाएगा? पोलैंड। ठीक ना, रूस के बाद यहां तक कौन है? पोलैंड, और पोलैंड के साथ साथ जर्मनी। तो स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रूस, पोलैंड और जर्मनी, ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश हैं। किसके किनारे स्थित देश हैं? बाल्टिक सागर के किनारे स्थित देश हैं। लेकिन तीन देश हैं हमारे पास, एक देश का नाम है एस्टोनिया, दूसरा देश है लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया, और तीसरा देश है लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीन देश ऐसे हैं, ये तीन देश ऐसे हैं जिनके किनारे, जो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित हैं। कहां किनारे स्थित हैं? ये जो हमने ग्रीन कलर से बनाया है, ये आपका बाल्टिक सी है, बाल्टिक सागर है। तो ये तीन देश जो हैं वो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित हैं, इसलिए इन तीन देशों को एक नाम दिया जाता है, और इनको नाम दे दिया जाता है बाल्टिक देश। क्या नाम दिया जाता है इनको? इनको एक नाम दे दिया जाता है, और इनको नाम दे दिया जाता है बाल्टिक देश। क्या नाम दिया जाता है? बाल्टिक देश। आपसे प्रश्न पूछेगा बाल्टिक देश किससे कहते हैं, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे आपके बाल्टिक देश हैं। ठीक ना, चलिएगा, तो बाल्टिक देश हो गया। उसके बाद आपको यहां पर एक चीज और रखनी है, यहां पर एक देश है आइसलैंड, यहां पर एक देश है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक ना, और साथ ही साथ यहां का डेनमार्क, ये पांच देश। ठीक ना, एक का नाम क्या है? एक का नाम है आइसलैंड, एक का नाम है नॉर्वे, एक का नाम है स्वीडन, एक का नाम फिनलैंड, और एक का नाम क्या है? डेनमार्क। इन पांच देशों को स्कैंडिनेविया के देश कहा जाता है, क्योंकि ये एक संघ है स्कैंडिनेविया, उसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ ले इसके स्कैंडिनेविया के देश कौन कौन से हैं, आप इसको बनाइएगा, फिर हम मिटा देंगे। देखिएगा आइसलैंड, आइसलैंड के बाद दूसरा नॉर्वे, नॉर्वे के बाद अगला कौन सा है? स्वीडन। ठीक ना, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड, और फिनलैंड के बाद आपका एक नीचे जो है डेनमार्क, डेनमार्क। इन पांच देशों को एक नाम दिया जाता है, और इन पांच देशों को एक नाम दे दिया जाता है स्कैंडिनेवियन देश। क्या नाम दिया जाता है? इनका एक संघ है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन देश। ठीक ना, तो स्कैंडिनेवियन देश के उदाहरण है पांच। साथ ही साथ आपके दो देश, एक का नाम है नॉर्वे, एक का नाम स्वीडन। एक देश का नाम क्या है? एक देश का नाम है नॉर्वे, और एक देश का नाम आपके है स्वीडन। यहां पर ये दो देश है आपके पास, यहां पर एक का नाम है नॉर्वे,
ये नॉर्वे और यहाँ पर स्वीडन, ये एक प्रायद्वीप पर स्थित है। और इस प्रायद्वीप का नाम क्या है? इस प्रायद्वीप का नाम है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। क्या नाम है? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो अगर प्रश्न पूछता है कि स्कैंडिनेविया के अंतर्गत कितने देश आते हैं? पांच। कौन कौन से? आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और आपका डेनमार्क है। और अगर पूछे कि स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर कितने देश स्थित हैं? दो, एक का नाम नॉर्वे और एक का नाम स्वीडन। और स्वीडन के अंतर्गत ही यहाँ पर एक प्रायद्वीप आता है जिसका नाम है कोला प्रायद्वीप। क्या नाम है? कोला प्रायद्वीप। प्रश्न पूछा जाता है कोला प्रायद्वीप के बारे में। कोला प्रायद्वीप के पास एक शहर है जिसका नाम किरूना। और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और इस लौह अयस्क की प्राप्ति को है जो लौह अयस्क की प्राप्ति होने कारण ही स्वीडन के किरूना शहर में क्या लगाया गया है? लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं। ये हम आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे जब यूरोप का हम आर्थिक भूगोल पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। इतनी चीजें आपको याद रखनी है अभी, ठीक ना। चलिएगा, तो स्कैंडिनेवियन देश जो है पांच है, इनको आपको याद रखना, ठीक ना। अगला बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आ गए हम लोग बाल्टिक सी है यहाँ पर। और बाल्टिक सी से जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो यहाँ तो पानी बंद है। तो जर्मनी में यहाँ पर एक नहर बनाई गई, जर्मनी में एक नहर बना दी गई और इस नहर का नाम है कील नहर। जर्मनी के कील बंदरगाह के समीप या कील शहर के समीप एक नहर का निर्माण किया गया जिसका नाम है कील नहर। और यह कील नहर करती क्या है? ये जो नहर है इस नहर का नाम है कील नहर। एक कील नहर दो सागरों को आपस में जोड़ती है। यहां पर एक सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सागर, यहां पर एक सागर है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक सागर है जिसका नाम है उत्तर सागर। बाल्टिक सागर और एक सागर और है जिसका नाम है उत्तर सागर। कौन सा सागर? उत्तर सागर। यहां पर कील नहर बना दी गई। और कील नहर जो निर्मित है वो कहां पर है? कील नहर, तो कील नहर जर्मनी में निर्मित है। कहां पर निर्मित है? जर्मनी में। इस कील नहर के समीप जर्मनी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है। कील नहर के समीप जर्मनी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है हैम्बर्ग। क्या नाम है? हैम्बर्ग बंदरगाह। एक बंदरगाह है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बंदरगाह है जर्मनी का, इस बंदरगाह का नाम है हैम्बर्ग बंदरगाह। और जर्मनी का हैम्बर्ग बंदरगाह जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जलयान उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पानी वाले जहाजों से संबंधित उद्योग है, तो ये किसके लिए जाना जाता है? जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। अब हम बाल्टिक सागर से कील नहर के माध्यम से उत्तर सागर आ गए। और उत्तर सागर से जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक चैनल है, चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। तो उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने के लिए यहां पर एक जलसंधि है, यहां पर एक जलसंधि है। और जलसंधियों के बारे में हमने आपसे पहले भी चर्चा की है। जलसंधि जो होती है वो दो जल के भावों को जोड़ती है, दो स्थल खंडों के भागों को अलग करती है। जलसंधि क्या होती है? दो जल के भावों को जोड़ती है और दो स्थल खंडों के भागों को अलग करती है। तो यहां पर एक सागर है जिसका नाम है उत्तर सागर। कौन सा सागर है? एक सागर है हमारे पास और इस सागर का नाम है उत्तर सागर। और यहां पर एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल। थोड़ा पास में लिखते हैं। एक यहां पर चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और यहां पर एक जलसंधि है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रही है। और जो जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम है डोबर जलसंधि। कौन सा है? डोबर स्ट्रेट, डोबर जलसंधि। आपको हमेशा यह बात रखनी है कि जल संधि दो जल के भावों को जोड़ेगी और दो स्थल खंडों के भावों को अलग करेगी। तो डोवर जल संधि के उत्तर में यूनाइटेड किंगडम है और दक्षिण में इसके फ्रांस है। उत्तर में यूनाइटेड किंगडम है, यहां पर यूके है, और इसके दक्षिण में यहां लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर कौन सा है? तो यहां पर आपका फ्रांस है। अर्थात जो डोवर स्ट्रेट है, डोवर जलसंधि है, उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है जबकि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश चैनल से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक महासागर है, अभी बताए थे आपको अटलांटिक महासागर। तो यहां पर एक महासागर है, इंग्लिश चैनल से आगे बढ़ जाएंगे तो जो महासागर हमें मिलेगा, इस महासागर का नाम क्या है? इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर।
और अटलांटिक महासागर से होते हुए हम नीचे बढ़ते हैं तो यहां पर एक जलसंधि है। फिर से एक जलसंधि आ गई। जलसंधि का अर्थ क्या होता है? दो जल के भावों को जोड़ना और दो स्थल खंडों के भागों को अलग करना। दो जल के भावों को जोड़ना और दो स्थल खंडों के भागों को अलग करना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, फिर हम इस जलसंधि को आपको पढ़ा देते हैं। चलिए, यहां पर पहले हम ऐसे मानचित्र बना लेते हैं। यहां पर दो देश हैं। यहां पर एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल और यहां पर एक है जिसका नाम है स्पेन। और यहां नीचे जो स्टार्ट हो रहा है ये इस प्रकार से है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका। और अगर हम बात करें पुर्तगाल और स्पेन किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं तो ये जिस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं इस महाद्वीप का नाम है यूरोप। और यहां पर कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर जहां पर स्पेन है यहां पर एक देश है जो यहां पर है अफ्रीका महाद्वीप का, जिस देश का नाम है मोरक्को। कौन सा देश है यहां पर? तो यहां पर एक देश है और इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है मोरक्को। ठीक ना, ये पहले आपस में जोड़ा हुआ था, इसको काटते हुए यहां पर एक जलसंधि का निर्माण कर दिया गया। जलसंधि है, जलसंधि हमेशा यह रखिएगा दो जल के भाव को जोड़ती है। जलसंधि का अगर नाम लिखे हम तो जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जलसंधि। क्या नाम है? तो जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। और जिब्राल्टर जलसंधि किस किस को जोड़ रही है? तो जिब्राल्टर जलसंधि के इस साइड एक महासागर है और यहां पर जो महासागर है इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है यहां पर? तो यहां पर एक महासागर अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को अगर पार करके चलेंगे तो यहां पर एक और सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। तो जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। साथ ही साथ यूरोप महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करती है? यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अब पूछ लेगा यूरोप के किस देश को? स्पेन को। अफ्रीका के किस देश से? मोरक्को से। स्पेन को अफ्रीका के किस देश से अलग करती है? मोरक्को देश से अलग करती है। जहां पर जिब्राल्टर जलसंधि है यहीं पर एक द्वीप है, या आप कह सकते हैं यहां पर एक बंदरगाह था, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया जिब्राल्टर जलसंधि। तो यहां पर भूमध्य सागर में एक बंदरगाह है जिसका नाम है जिब्राल्टर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? जिब्राल्टर बंदरगाह। और ये जो आपका जिब्राल्टर बंदरगाह है इस पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। किसका अधिकार है? यूनाइटेड किंगडम का। आप देख सकते हैं लिखा है जिब्राल्टर, स्पेन के पास है जिब्राल्टर बंदरगाह। और जिब्राल्टर बंदरगाह पर जिस देश का अधिकार है उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। क्या नाम है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक ना, अगर जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल। जब ये पुर्तगाल से जाता तो इसको पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था और अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा समय व्यतीत होता था। इसीलिए लोगों ने यहां पर जिब्राल्टर स्टेट बनाई। जिब्राल्टर स्टेट से कहां पहुंच गए? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से लाल सागर में जाने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया जिसका नाम है स्वेज नहर, विश्व की सबसे लंबी जहाजरानी नहर। और स्वेज नहर से कहां पहुंच गए? लाल सागर। और लाल सागर से बाबल मंदे जलसंधि से होते हुए हिंद महासागर, और हिंद महासागर से कहां पहुंचते थे? भारत। तो ये दूरी तय करने में और उसके पहले वाली दूरी तय करने में जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा किए जाते थे लगभग लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी का अंतर होता था। कितने किलोमीटर दूरी का अंतर होता था? 7000 किलोमीटर दूरी का अंतर होता था। लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2018 की पीसीएस परीक्षा में एक प्रश्न पूछा है कि स्वेज नहर के बन जाने के बाद यूरोप और एशिया के मध्य की कितनी दूरी कम हो गई है? लगभग 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। ठीक ना, अब यदि जिब्राल्टर जलसंधि ना होती तो अटलांटिक महासागर से हम भूमध्य सागर में प्रवेश ना कर पाते। यदि जिब्राल्टर जलसंधि ना होती तो हम अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश नहीं कर पाते। अर्थात भूमध्य सागर में प्रवेश करने का, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एकमात्र समुद्री जलमार्ग जिब्राल्टर जलसंधि है। इसलिए जिब्राल्टर जलसंधि को एक नाम दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है भूमध्य सागर की कुंजी।
की ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की चाबी, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, किस जलसंधि कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि कहा जाता है। तो हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए भूमध्य सागर में। कहां पहुंच गए हम लोग भूमध्य सागर पहुंच गए। हमने आइसलैंड से आपकी यात्रा स्टार्ट की थी और धीरे 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 हम कहां पहुंच गए? भूमध्य सागर तक पहुंच गए। तो आज की यात्रा हम यहीं कर लेते हैं। उसके पहले स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं, आप किसी भी नंबर पर मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो नंबर है जिससे आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, ये जो नंबर है, इस नंबर को मैं लिख दे रहा हूं, जो हमारा नंबर है, ये नंबर है हमारा 8736093317। इस नंबर पर आप RO एंट्री लिखकर हमें सेंड कर दीजिएगा 8736093317। इस नंबर पर आप हमें RO एंट्री लिखकर सेंड कर दीजिएगा, एडमिशन की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, एडमिशन की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। ठीक ना, थैंक यू, मिलते हैं फिर।